वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो सिंध की काफ़ी ज़्यादा फेमस रेसिपी है। उसको नाश्ते में ज़्यादा पसंद किया जाता है और उस रेसिपी का नाम है सिंधी बुसरी। यस, सो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे सिंधी बुसरी कैसे बनती है। और ये मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी है, बहुत अच्छी बनाती हैं, तो मैंने सोचा आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं सिंधी बुसरी कैसे बनती है। ये सिंपल हम पराठे की तरह रोल करेंगे ऑयल लगाकर और इसका पेड़ा बना लेंगे। ये हमारे पास गुड़ पड़ा है, दो बुसरियाँ बना रहे हैं तो दो की आप क्वांटिटी देख लें। ये गुड़ का चूरा बनाया है, दो दो बड़े चम्मच। पराठे की तरह ऑयल लगा के लपेट के फिर से रोल करेंगे रोटी को। दो लेयर्स से ये बनती है। पहले ऑयल लगाएंगे, ये पेड़ा बना लिया। अब ये एक पेड़ा रखेंगे और फिर दूसरा पेड़ा लेंगे, फैलाएंगे अच्छे से, बिल्कुल इक्वल आपने पेड़े लेने हैं। और ये जो गुड़ का चूरा है इसमें डालेंगे बीच में। ऊपर से छिड़क देंगे काली मिर्च, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, वरना ये इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट को एनहेंस करती हैं। ये हमने दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रख दिया। अब इसको हाथों से ही हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ये जो पेड़े हैं ये खुल ना पाए। अब इसको रोल करेंगे सेम ऐसे ही जैसे रोटी बेलते हैं पराठा। यहाँ पे रोटी अच्छे से बेल चुकी है। ये रोटी को हमने पलटा लिया, ये बन गई। अब इसको बीच में तोड़ेंगे इस तरह से और इसमें हम दो बड़े स्पून मक्खन ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी सिंधी बुसरी जो कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसको मज़े मज़े से खाइए, एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सिंध की फेमस रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफस्टाइल विद फौजिया वही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।